तेरा का मुझे सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि सही इसलिए नहीं होता है कि मेरा जो सामना है वो शोल्डर है, वो शोल्डर मेरा पूरा बैठता नहीं है, ठीक है। मेरा शोल्डर जो है ना वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो पहले आपको मैं इसको कटिंग करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हेलो दोस्तों, तो आज मैंने आपको तीरा का ट्रेन करना बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि एक दो आदमी मुझे कमेंट किया था कि मेरा जो शोल्डर है वो तीरा है, वो तीरा मेरा जो कभी भी लगा रहा हूँ तो मेरा जो तीरा है ना वो इस तरह ने बैठ नहीं रहा मेरा, कभी ये छोटा हो जा रहा है, कभी तीरा बड़ा हो जा रहा है। इसका प्रॉपर तरीका बता दीजिए तो मैं आपको पूरा आपको लाइव बता रहा हूँ। पहले आपको यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क ले लेना है इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रेट मार्क लेने के बाद में दोस्तों आप इसका जो शोल्डर है 16.5 इंची है, ठीक है, ये 16.5 इंची हो गया, प्लस 1/2 इंच इसका दबाव देना है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या है कि कितने आदमी है ना वो आपको 2 लाइन दबाव देंगे, कितना आदमी है 1/2 इंची देंगे, तो आप अपने हिसाब से अगर 1/4 इंची दे रहे हैं तो 1/4 इंची, 1/2 इंची दे रहे हैं तो 1/2 इंची, उतना आपको सिलाई लेके ही चलना है, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो शोल्डर है, मैं 2 इंची डाउन किया हुआ था, इसका 6.25 इंची है, ठीक है, 6.25 इंची है। तो 6.25 इंची के लिए मुझे क्या करना है, पहले आपको यहाँ से 5 इंची का मार्क लगाना है, ठीक है। 5 इंची का मार्क लगाने के बाद में आपको 1.5 इंची का मार्क लगाना है, ठीक है, 1.5 इंची, क्योंकि शोल्डर में 2 इंची डाउन किया हूँ और ये जो है ये 36 साइज का है, तो इसमें मैं 2 इंची डाउन करूँगा तब मेरा शर्ट जो है पीछे जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मुझे आगे इसका करना पड़ेगा, इसका 1.5 इंची करना है इस तरीके से। और उसके बाद में इसका यहाँ से 4 इंची रखना है, ठीक है। 4 इंची रखने के बाद में आपने क्या करना है, से यहाँ से मैं 3 इंची कम किया हूँ, ठीक है, ये जो सामना है, सामना में मैं 3 इंची इसका निकाला हूँ, तो इसमें क्या करना है आपको 3 इंची का मार्क लगा देना है। 3 इंची का मार्क लगाने के बाद में आपने यहाँ से ये बैठाना है, ठीक है, यहाँ से ये बैठा करके और ये पूरा अच्छा से मार्क लगाना है। और उसके बाद में ये स्ट्रेट मार्क लगा देना है, और यहाँ से जो है इस तरीके से मार्क लगाना है। अब मैं इसको बैठा करके फिर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप सब मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो नोटिफिकेशन मिले और देखे। तो मेरे चैनल के ऊपर लेडीज जेंट्स दोनों कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगा, तो आप सब जा करके फुल वीडियो देखे। ये हो गया दोस्तों। आप काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तीरा जो है ना, तीरा जो है कम ज्यादा हो जाता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं काटा हूँ तो मेरा तीरा देखिए, आप आपके सामने मैं ये 3 इंची रखा हूँ और ये मेरा आपको सामने दिखा रहा हूँ कि मेरा तीरा कहाँ पे ज्यादा कम हो रहा है। इस तरीके से अगर आपको नाप लेंगे तो बेहतर होगा, अगर आप नापते नहीं है। और उसके बाद में गाला जो सबसे बड़ी बात क्या है कि
कितने आदमी जो है ना सामना, जिस तरह ये मैं 3 इंच किया हूँ तो तीरा काटेंगे तो 2.5 इंच के ऊपर ही मारिक लगा देते हैं, ठीक है। वो 2.5 इंच के ऊपर मारिक लगाएंगे इस तरीके से, तो ये तो आपको बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ से करेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा, आप जितना भी आप ज्वाइंट करेंगे अच्छा से तो ये कभी भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको आपने ध्यान में रखना है और उसके बाद में कटिंग करना है, ठीक है। अब इसका गला नाप लेना है यहाँ से आपने, इसका गला है 15 इंची, तो 7.5 दूना 15। तो आपको ये 3 भाग में तीनों चीज बताया हूँ, पहले इसका फ्रंट का, फिर बाजू का और फिर तीरा का। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे फिर जा करके आपको मालूमात होगा। देखिए इस तरह करके इसका सेंटर है, यहाँ पे सेंटर आ रहा है, तो आपके सामने बाजू में ज्वाइंट करा रहा हूँ। ये कभी भी बाजू जो है ना यहाँ पे ये आड़ा में होता है, तो कभी भी थोड़ा नीचे वाला पीस को इसे खड़ा में करके उसके बाद में कटिंग करेंगे।